अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज हम वैसे ही निकले हैं बाहर। आज मेरा कनाडा में है थर्ड डे आई गेस, और व्लॉग मैंने अपलोड किया पहला, और अभी मैं आंटी के साथ वैसे ही कुछ जा रही हूँ बाहर नो फ्रिल्स पे कुछ देखने के लिए कि ग्रोसरीज वगैरह कैसी होती है। वैली है सारी ये तो कोई होते हैं जानवर वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं है। किसी पता नहीं है। आजकल ये ट्री है। अच्छा, जंगल एप्पल का है। वाह जी वाह। ये लेवेंडर है? नहीं नहीं, बस मुझे पर्पल चीज देख के लगता है लेवेंडर है। इसकी लंबी लंबी। अच्छा जी, तो हम आ गए नो फ्रिल्स पे थोड़ी बहुत ग्रोसरी देखने के लिए आए हैं। शायद ग्रोसरी आंटी ने गानों ने घर के लिए करनी है, तो ग्रोसरी शॉपिंग कर भी लेंगे। मैंने तो अभी नहीं करनी क्योंकि अभी मैंने कुछ अर्से तक अकोमोडेशन में मूव करना है। गाड़ी पार्क हो गई है। चले आंटी चले। नहीं कैसे किए चले करें। अच्छा यहाँ पे जी ऐसे ट्रॉलीज में जो है ना नो फ्रिल्स में आंटी दे मैं करती हूँ। वाह इतनी सब्जी। ये पाकिस्तान में भी अलफते वगैरह पर इम्तियाज पे ऐसे ही होती हैं। वाह जी वाह। क्या $2 $3। अच्छा कैरेट्स भी हैं। वाह इतनी बड़ी शिमला मिर्च। अगर जब मैं इंग्लिश सीखती हूँ ठीक है ना, इंग्लिश नहीं आती मुझे। ब्रिंजल। वाह जी वाह, बहुत फ्रेश भी है ना सब कुछ। ये क्या आंटी? कैंटोला। गाइस कनाडा की सब्जी। ये जी कनाडा के पेपर्स। ये जी कनाडा के आम। आम तो जी हमारे पाकिस्तान के। ये कैसे आम है? अच्छे नहीं होते है ना। आम के अलावा मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है अभी तक। वहाँ पे सारे फ्रूट्स लगे हैं। अच्छा ऐसे लग रहा है जैसे आर्टिफिशियल है। ग्रीन ये तो जूस के लिए होते हैं ना एप्पल्स यूज। नहीं अच्छा भी खाए जा सकते। अच्छा देखें जरा कितनी बार के एप्पल है। इतनी फ्रेश है। मैंने एवोकाडो कभी नहीं खाया लेकिन मैंने सुना खाना चाहिए। स्मूदी बहुत अच्छी बनी। स्ट्रॉबेरीज भी हैं। स्ट्रॉबेरीज लेनी है आपको? ऑरेंज लियो है। एप्पल रखते हैं घर में लेकिन हम तो खोले ही नहीं है। एप्पल्स लेमन्स वो हैं। सही नहीं एक लेमन ले लें। लिए सही गाइस मेरा पीछे फेवरेट गाना लगा हुआ मेरा उसकी तरफ ध्यान। टमाटर देखें। वाह जी वाह, ये मेरी मामा को टमाटर रेड अब दुबई में बहुत पसंद आए थे। इतना सुर्ख टमाटर। वाह जी वाह, पाकिस्तान में भी ऐसे होते हैं? पाकिस्तान में मैंने तो ऐसे ही खाए हैं पूरी ज़िंदगी। ये भी अच्छा है। अच्छा ये पोटैटो हैं। अच्छा नहीं, हाँ पोटैटो तो हमने घर में उगाए। पोटैटो हम वो खाएंगे जैसे आपको इतना नहीं चाहिए पूरा घर में। अच्छा ये पील हुए हैं? नहीं नहीं पील नहीं हुए। अच्छा गाइस मुझे ये भी नहीं पता कि ये पील हुए हैं। ये रेड है, ये येलो है। अच्छा अच्छा अच्छा, इतनी किस्म के शकरकंदी पाकिस्तान की। पोटैटो कभी मम्मा से सब्जी लेने नहीं गई, मुझे देख के समझ आ रहा है मैं कभी सब्जी लेने नहीं गई। ये देखें जरा ये सारे वो पिस्ता। मम्मा कह रही है व्लॉग बनाओ माय फर्स्ट ग्रोसरी विद माय आंटी। मैं कह रही हूँ आंटी सारी ग्रोसरी करके आई हुई। ये क्या पड़े? बंस पड़े हैं। क्रोसॉन्ट्स ये $4 की है। ये थोड़ी कनाडा में जो है ना रोटी एक्सपेंसिव है। ये $4 की है और गार्लिक जो है वो 1.9। ये वो जो घर में हम आटा यूज करते हैं उसकी रोटी है। देखो घर की मैंने वो तो गंदम की। हाँ गंदम की आम रोटी ओरिजिनल। ये $4 की है सारी। अगर आप एक ही रोटी का ले जाओ तो आपको कितने दिन चल जाएगा पकाने के लिए? $8 $17 का ही। अच्छा ये वाला जी हलाल है। पता नहीं क्या क्या मछली जो जो खाता है मछली फिश भी मिलती है जी। आप लोग कौन सा लेके जाते हैं? वो बैग्स लेके जाते हैं। हाँ ठीक है $5 जितनी आपकी नीड है उसके मुताबिक।
सही। आप लोग ग्रोसरी के प्राइसेस देख रहे हैं, वैसे साथ साथ एक ब्लॉग ही मैं बना रही हूँ। ये एप्पल जूस पड़ा हुआ, ये सारी डिटर्जेंट्स और वो चीज़ें पड़ी हैं, डिश वॉशर, गार्बेज बैग्स, ब्लीच, योगर्ट, सीरियल्स भी हैं वो, ये बॉटल्स भी लगी हुई हैं यहाँ पर, वाटर बॉटल साथ लगी हुई अरुषा को वाटर बॉटल्स का शौक है, कितनी लेकिन मैं लेकर आई हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अरे अभी भाई $10 की जरा इसको करें ना पाकिस्तानी करेंसी में तो 2500 की। तो ये चाहिए, ये भी मैंने चीज़ें लेनी है, लेकिन मैं ये डॉलरामा से लूँगी, तो मैं उसका भी ब्लॉग बनाऊँगी क्योंकि वहाँ पर थोड़ी कॉस्ट कम होती है ना, लेकिन ये भी अच्छे हैं ना। ये मामा को मैं दिखाना चाहती हूँ, ऐसे यहाँ से सारी चीज़ें मिलती हैं, मैंने से कुछ भी नहीं लाई है ऐसा। अच्छा ये भी डॉलर का ही पड़ जाएगा, 4 है ना, $1 ईच है ना, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं यहाँ पर, $2, $5, $4 भाई। अच्छा 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 सारा डिटर्जेंट जो, ये टाइड इंडियन ब्रांड है, मैंने इसके बहुत एड देखे हैं। अच्छा अच्छा सही, सारे प्योर। ये रुषा का कॉर्नर है, जब रुषा आएगी यहाँ पे ये हमारी रुषा का कॉर्नर है मतलब रुषा का नहीं है, रुषा की बिल्ली का रुषा की नहीं, रुषा की बेट्स का कॉर्नर है ये। अच्छा है, ये मैं माना के लिए ना जाते हुए लेके जाऊंगी। हाँ, ये भी है, लेकिन आपके घर में तो उसका कोई काम नहीं है, देसी की पड़ा हुआ है। एवोकाडो ऑयल है, आप लोग ये वाला यूज़ करते हैं ना जूनिको? हाँ, ये भी कर लेते हैं, वीडियो अवेलेबल है, वैसे पर ऑल चाहिए अपने सो ब्रांड को जरूरी नहीं, फैब्रिज वगैरह भी है सारा कुछ। हाँ, बल्ब्स, बल्ब लगाने हैं, यही कुछ आपको हर स्टोर में है ना। मेरा तो कुछ दिल नहीं लेने का, मैं सिर्फ स्ट्रॉबेरी ले लेकर अभी तो मैं जा रह रही हूँ, कोई मुझे तो कुछ करने के लिए लेके है ही नहीं, मैं चीज़ें सारी देख रही तो मुझे पता चल जाए ना सारा कुछ, नए नए ब्रांड है ये सारे, ऑयल्स पड़े हैं, अचार, पिकल, अचार सॉरी पिकल, यहाँ गार्लिक सॉस क्यों नहीं है गाइस, मैं तो गार्लिक सॉस ही खा सास गार्लिक सॉस गाइस, मैं तो गार्लिक सॉस ही खाती हूँ, यहाँ पर है नहीं गार्लिक सॉस, इतनी मर्चों के बगैर मैं कैसे रहूँगी। देखो ये अंगूर का सिरका, अच्छा एप्पल का सिरका भी होता है, ये दूसरा ये वेजिटेबल का सिरका, अच्छा अच्छा पास्ता, ये अच्छा मैंने ये वाला लेना, आप स्पेशल से नहीं लेती हैं, ये इतने मज़े की लगती है, तो मैं बनाऊँगी मेयोनीज़, ये मेरी दो चीज़ें रहती हैं लेनी है मैंने जब जाना है ना, बासमती राइस सही है, कितने की है? $13 $19 $20 प्योर बासमती राइस, वो कोकोनट राइस, ये इंडियन ब्रांड्स है कोई, क्रश टमाटो से बनाई गई, क्रश टमाटो जो अच्छा आप बिल्कुल, आपके पास जो टमाटो जो बाय करते हैं ना वो नहीं तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ट्यूना मेरे पापा की फेवरेट है ये, $1.99 का ये, ये बेहतर है, ये जब मैं जाऊँगी ना तो मैं यही ले लूँगी, टमाटर नहीं लेने पड़ते बस ऐड करते हैं, ये सस्ता होता है ना उससे। हाँ। ये इससे सस्ता, एक दो स्पून डालो, ऐसे ही गार्लिक जिंजर पाउडर भी मिलता होगा ना। हाँ, वो पाउडर भी हम बोल देते हैं, पेस्ट लेते हैं। अच्छा पेस्ट, बटर चिकन सॉस भी मिल जाती है, टिक्का मसाला, आपको आपको और बाजी जिया को बटर चिकन बहुत पसंद है ना, थाई फूड भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत कल्चर्स के लोग रहते हैं ना इस वजह से, अब हम पाकिस्तानी इंडियन इतने ज़्यादा लोग रहते हैं, घोरों का स्टोर डालेंगे क्योंकि ज़्यादातर यही बिकती होंगी है ना, सारी दालें हैं, मूंग की, चने की, चने हम बहुत बनाते हैं, चने हैं सफ़ेद चावल, ये मीठा सारा पड़ा हुआ जी, पुडिंग वगैरह, पुडिंग तो वैसे मुझे कोई नहीं पसंद, जलो और ये चीज़ें पड़ी हुई, मुझे मीठे से ब्राउनी पसंद है वो नहीं आप पड़ी, किमची चिकन इधर हलाल, और ये बुलडगी हम बहुत खाते हैं पाकिस्तान में। हाँ जी रणबीर कपूर ही नहीं बना हुआ। हाँ बताओ तो इंडिया से बन के आ रही है, मसालेदार होंगे ब्राउनीज, मग केक, ये चीज़ें भी रुषा का कॉर्नर है ये जी, ये भी एक रुषा का कॉर्नर मिल गया, वो सारा दिन आंटी घर पर यही काम करती है वहाँ पर पाकिस्तान में, दो मिनट बाद हो गए वाह किट कैट सीरियल्स, ये मैंने लेने हैं वहाँ पर जाके मेरे ख्याल से मैंने यही नाश्ता करना है, क्योंकि जितनी माँ है फंसे के ये हमजा के लिए, स्टारबक्स की कॉफ़ी पड़ी है $35 थी, ये $17 का ये, लेकिन मैं कॉफ़ी नहीं पीती, मैं चाय पीती हूँ अभी तक, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे आके फिर भी कॉफ़ी नहीं पीनी, शायद पीना शुरू कर दूँ
लेकिन पता नहीं मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है। टेटली आप चाय पत्ती यूज़ करते हैं, लिप्टन। अच्छा वो अंडे बटर वगैरह सारा कुछ पड़ा है, ये कुकीज पड़े। कुकीज ले लो आप। नहीं मैं नहीं खाती है? मैं नहीं खाती कॉर्नर आ गया। मेरी मामा का वो सब्जियों वाला था, पापा का भी हो गया। ये पिज्जा पड़े हुए सारे, ये अच्छा कॉर्नर आ गया। कोक लेनी है आंटी कोई, आपके यहाँ घर में पड़ी है? ये डोरिटोस का बहुत शौक है रुषा को, कि मैंने तो नहीं लेना भाई, मुझे तो स्पाइसी लगता है। ये ले तो नहीं, लेकिन छोटे हो उतना तो मैंने खानी है। ये थोड़ी छोटी पैकिंग में नहीं हो सकता, ये ख़राब ही हो जाएंगे इतने ज़्यादा तो। ये एक बंदे की मेरे ख्याल से सर्विंग नहीं है, ये क्या बात है। मेरे ख्याल से किसी कंटेनर में डाल डाल के स्टोर करते हैं ना। और ये चीटोस भी, ये भी मेरे कमरे में इतनी ज़्यादा नॉन चीज़ें रखी हुई है, मैंने कुछ भी नहीं खाया उसमें से। अभी मुझे एडजस्ट होने में ना बहुत टाइम लग जाना है, बिकॉज एडजस्ट होने में भी बहुत टाइम लग जाना है। ये पानी की सारी पड़ी हुई हैं चीज़ें, ये पानी की बॉटल्स। ये मेरी मामा का फेवरेट कॉर्नर ड्राई फ्रूट, मामा बहुत शौक से खाती है। हम दुबई भी गए थे ना, तो पता नहीं कितने किलो हम ड्राई फ्रूट ही लाए थे। दुबई का पता है सबसे अच्छा होता है पॉपकॉर्न। अब मुझे अपनी शक्ल देख के याद आया कि जितनी जितनी हुई है ना, मुझे इन चीज़ों से परहेज नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो चले जाएंगे हेल्दी खाएं, फ्रूट्स खाएं। ये मेरा दिल है, मैं एक ले लूँ, मुझे ये मज़े का लग रहा है एनर्जी बार सा ना, क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए यहाँ पे। जितना मैं माशाल्लाह मेहनत कर रही हूँ ना, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। नहीं ये नहीं है, जितनी मैं काम कर रही हूँ ना, मुझे एनर्जी चाहिए। चॉकलेट नहीं, मैं गाइस अपना वजन कम करने आई। मेरे मामा को कहा था जब मैं पाकिस्तान आऊँगी ना, तो मैं डंडे में कपड़े बनी हुई पतली, लग तो नहीं रहा कि मैं पतली होने वाली हूँ। देख ले, ले लो ना। ये कौन सी चाहिए आपको? ये मज़े का नहीं, मैंने तो उस पर आयरन अच्छा है ना, तो मैं वही ले लेती हूँ, मुझे आयरन की कमी है। हर हर ब्राउन गर्ल को आयरन की डेफिशिएंसी होती है। वॉकर्स छोटे, अब मैं इसके अंदर वो डालूंगी सारी ग्रोसरी। चले हो गया जी ग्रोसरीज। हाँ जी सही। ध्यान से डन, थोड़ी सी ली हमने क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी की भी थी जी। यहाँ पे तो टिम हॉर्टन्स खा लिया, लाहौर में तो ऐसे रश था कि जैसे पता नहीं कनाडा को वीज़ा मिल रहा है वहाँ पे। ये मैंने ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट पढ़ी थी, तो मैं फर्स्ट टाइम जाऊँगी अब टिम हॉर्टन्स। मेरे वैसे फ्रेंड्स तो ट्राई कर लिए लाहौर में जो रहते हैं, तो हम भी चलते हैं। सही पेट वैली हुई जी, रूसा का कॉर्नर आ गया। ये है टिम हॉर्टन्स। टिम हॉर्टन्स पे हम आ गए, और मीठा मैंने बिल्कुल भी नहीं खाना। मॉम हाउ स्वीट टू बी टॉट यू। ये कॉर्नर मजे का है ना। भी हम आए हैं टिम हॉर्टन्स पे, मैंने तो मेरे ख्याल से चाय पीनी है गाइस। देख लो यहाँ तो इतना कुछ लगा, मीठा मैं नहीं खा सकती, गलत टाइम पे आ गई हूँ, क्योंकि मैं ना एक्नी ठीक करनी है अपनी। मैं बार बार एक्नी का बोल रही हूँ कि मुझे ठीक करनी है, मेरी इतनी कभी स्किन ख़राब नहीं हुई। तो ना अभी एक्नी के लिए काफ़ी एहतियात भी करनी पड़ती है। सुबह मुकद्दस से मैंने अपनी काफ़ी, उसने कहा कि मलाइका बिल्कुल मीठा नहीं खाना, तो मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाने वाली इस टाइम पर। वेदर बहुत अच्छा है ना। अब आप सबके कमेंट्स आने टिम हॉर्टन्स जाके भी चाय पी रही है, क्योंकि गाइस मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने इधर कनाडा में पीनी ही चाय है। ये क्या है? ऑरेंज पीको, ठीक है, ऑरेंज पीको हाफ क्रीम हाफ शुगर। आंटी ने भी चाय लिया। आज है फ्राइडे और मैं कर रही हूँ अपने कपड़े इस्त्री। ये मुझे इस्त्री मिली है, इसको मैंने यहाँ पे से कनेक्ट किया, तो सारे स्विच ऐसे हैं। मेरा लैपटॉप ही नहीं चार्ज हो रहा, तो फिर आईफोन का मैंने आंटी से लिया। तो बाकी आज हम ये ड्रेस पहनूंगी, बड़ी अच्छी जैकेट है, क्योंकि मुझे गाइस ठंड लग रही है, क्योंकि यहाँ पे साथ में बारिश हुई है, हमने बाहर भी जाना है, तो मुझे पता है मुझे ठंड लगनी है। मतलब सुबह सुबह मुझे व्लॉग अपलोड करना पड़ता है, कनाडा में इस वक्त 9 बजे होते हैं और पाकिस्तान में शाम के 6 हुए हुए होते हैं, तो इस वजह से सुबह सुबह उठ के मैं काम शुरू कर देती हूँ। उतना एडिटिंग का काम, फिर अपलोडिंग, फिर फाइनल करना, फिर थंबनेल इंस्टाग्राम पर सारा कुछ, तो अब ना मेरा दिमाग ना थक गया। तो यहाँ पर भी मैं बस जोर की नमाज जो है वो पढ़ने लगी हूँ, और फिर मैं जो थोड़ा सा सो जाऊँगी, अपना रेस्ट करूँगी 1 घंटा, फिर हमने
बाहर जाना है क्योंकि आज मैंने थोड़ी सी चीज़ें लेनी है, एक दो शर्ट्स लेनी है। मेरे मामा से कहा हुआ है क्योंकि मैं वहाँ से ना जैकेट्स लाई थी, शर्ट्स नहीं लाई थी, शर्ट्स दो लाई थी ज़्यादा से ज़्यादा, कि पता नहीं तीन लाई थी, वो मैंने गई पहन ली है। तो वो मतलब मुझे पापा ने ये कहा था कि वहीं से जाके कपड़े लेना ना, तो सेल्स लगी हुई है, मेरा दिल है ले लूँ, तो चले मैं जाके थोड़ा करती हूँ रेस्ट। अभी हम जा रहे हैं जी अगले दिन शॉपिंग करने के लिए, मैंने जो आंटी को तंग किया वैसे ही और अब हम जा रहे हैं तैयार। मैं बड़ी जल्दी जल्दी अच्छा सा हो गई, मैंने आज ग्रीन लेंसेज गर्ल्स लगाए। बाकी अभी मैंने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी है, मैंने मम्मा से बात की है, अभी इतना ज़्यादा सनी था तो मैंने जो सनग्लासेस लगा लिए थी। अब हम पहले थोड़ा सा लो, दो मिनट बाद ऐनक लगानी पड़ जाती है, फिर दो मिनट बाद उतारनी पड़ जाती है, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा है कि मेरी ना लेंस जो है ना उनमें कोई मसला ना हो जाए। तो मैं जा रही हूँ थोड़े से कपड़े लेने के लिए, क्योंकि ना सेल्स लगी हुई है, तो मुझे आप लोग बहुत ज्यादा कमेंट करके कह रहे थे कि अभी जो लेना ले लें सेल्स में ना, फिर इसके बाद सेल्स नहीं लगती तो फिर बड़ा मसला, मतलब एक्सपेंसिव हो जाएगा। जाहिर है उसी शॉपिंग मॉल में जाएंगे जिधर हम पहले दिन गए थे, क्योंकि वही सबसे बड़ा मॉल है, वॉन मिल्स नाम है उसका ना, और उधर काफी ज्यादा अच्छे अच्छे ब्रांड्स भी थे। मैं देख रही थी ना काफी, वो अपना बैक टू स्कूल सेल्स लगी हुई है यहाँ पे बैक, क्योंकि ना सितंबर में ना बेसिकली स्कूल स्टार्ट हो जाता है, जाहिर है जिस तरह पाकिस्तान में मतलब अगस्त में स्टार्ट हो जाता है, तो सितंबर में कनाडा में स्टार्ट हो जाता है स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज, तो बहुत ज्यादा सेल्स लगती हैं। सॉरी शीशा भी खुला छोड़ दिया, फोन भी रख दी, कुछ इतना अच्छा लगे पता नहीं मेरा लेने का कोई दिल क्यों नहीं कर रहा है। आई मैं इतने शौक से थी, लेकिन अब मेरा दिल कर रहा है सिर्फ पानी पीना। मेरी फुल लुक आप लोग देख लें, ब्लैक ब्लैक आ जाई हूँ मैं ब्लैक ब्लैक ऐसी है ना, वो ऐसी है, थोड़ी सी डिफरेंस है बस उसके अंदर। ये देखो ये भी डबल है, नहीं डबल नहीं, वो डबल है सीधी है, हाँ वो डबल है वो, ये चलो आप ये जैकेट देखें यहाँ पे लगी हुई है। अभी तक मैंने कुछ नहीं लिया, मैं अपने आप को ही बस दिखाए जा रही हूँ आप लोगों को, कुछ पसंद आ रहा है अभी तक। और वहाँ अगर उनके स्टोर में आप घुस जाओ तो यही आपको है ना, गाइस मुझे सिर्फ ये पजामा पसंद आया, यही सबसे कंफर्टेबल लग रहा है, मजे का ये वाली चीज चाहिए, मजे की बटरफ्लाईज वाली नहीं वैसे ही नहीं आंटी, मैं तो वैसे कह रही। मैंने मामा को एक ड्रेस की पिक्चर बना के भेजी और वो मुझे भेज रही है कि ये ना पाकिस्तानी रुपीज में इतना है, तो बेटा सोच के लेना। कपड़े ले लिए गाइस, मैंने ले लिए मैंने कुछ भी, अब इसमें मेरा क्या पहनने वाला, चलो कहीं और चलती हूँ। अब ये इतनी तो मैं पतली नहीं हूँ, काश मैं इतनी पतली होती, मैं इतनी पतली कब होंगी, मेरा व्लॉग नहीं बन सकता इतने म्यूजिक की वजह से। ये देखिए कितना प्यार है ना, गेस्ट के भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, बैकपैक्स कितने अच्छे हैं, ज़बरदस्त, वाह ज्वेलरी भी है देखें थोड़ा सा, ये गाइस एक ज्वेलरी में लेने लगी क्योंकि बहुत प्यारे ऊपर से गेस्ट ब्रांड की भी है। गाइस मैंने सिर्फ एक चीज़ लिया, वो नेकलेस है, वो भी आंटी ने मेरे लिए पसंद किया था और मुझे बहुत प्यारा लगा। पर्सेस भी बहुत अच्छी हैं, मैं मामा को लेके दूंगी इंशाल्लाह। ये पफर जैकेट वैसे बहुत मजे की है ना गाइस, $54 की है ये, लेकिन ये अच्छी, अगर मैंने लेना तो मैं फ्यूचर में आकर ले लूँगी। अच्छा बड़ों से ज़्यादा बच्चों के कपड़े क्यूट लग रहे हैं है ना, कितने प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए भी हैं। ये जब ऑफिस जब मेरी जॉब लगेगी ना, पढ़ाई करके भी तो पढ़ाई भी नहीं शुरू हुई तो तब बंदा ना ये वाइट टॉप के साथ पहन के जाए, है ना आंटी, थैंक यू। नहीं ये मुझे पता है मिंट मार्गरेटा टाइप कुछ है, मैंने ये लिया मिंट मार्गरेटा लग रहा मुझे, नहीं हमने वहाँ जाना आंटी, वहाँ पे वो अमेरिकन ईगल्स इसमें से कौन सा क्या, ये ब्लैक के साथ हरे के साथ ये चली जाती है। मुझे सिर्फ एक ये स्वेट शर्ट पसंद आई है और इसमें मेरा दिल एक्स्ट्रा लार्ज लूँ, क्योंकि ना ये स्वेट शर्ट से ना फिट नहीं, एक्स्ट्रा ना खुली अच्छी लगती है ना, तो मैं ये लेने लगी हूँ एक। कितने अच्छे शूज़ हैं ना गाइस, $40 ये वही जो मैं पाकिस्तान में पहना करती थी गाइस। ये मैं ले रही हूँ जीन्स वगैरह कुछ, यहाँ पे अच्छी चीज लगी हुई है, ये चीज़ें मैंने ली और अब मेरी लाइन जो है वो करने लगी, रेडी फॉर लव, रेडी फॉर लव यही गाना लगा हुआ उस टाइम का, रेडी फॉर लव ब्लैक पिंक का। ये भी चीज़ें हो गई गाइस, ये जी कनाडा के तिक्के मेरी मम्मा के फेवरेट है, दिक्कत तो मेरी मम्मा को फेवरेट है जी। तो ये मैंने शॉपिंग, ये मैंने जो है वो शॉपिंग की है, मैंने एक अच्छी सी स्वेटर ली है गैप से, प्यारा है ये, मैं जब पहनूंगी ना तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। एक ये जो है वो स्वेटर लिया है, एक जीन्स लिया, बस
सब पे सेल्स लगी हुई थी बहुत अच्छी, मुझे डील्स में ना बड़ा सस्ता सस्ता सब कुछ मिल गया था, तो मैंने ये ले लिया। क्योंकि मैं पाकिस्तान से ना बहुत कम कपड़े लाई थी, पाकिस्तान से सिर्फ एक ब्लू जीन्स लाई थी मैं, जो मैंने आप लोगों को दिखाई थी, क्योंकि मुझे पापा ने सख्ती से मना किया था कि तुमने वहां से ना इतने कपड़े लेने नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं ज्यादातर कपड़ा वहां से नहीं लाई, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे ट्रेंड्स अलग फॉलो होते हैं, कल्चर अलग होता है। लेकिन आज मैं माशाल्लाह अच्छी लग रही थी, ये मुझे पता है। मेरा ना आज आउटफिट बहुत प्यारा था, और गाइस नेकलेस में तो मेरा दिल जीता हुआ है। रुशा मुझे कहते हैं आप ये नेकलेस जो है ना मुझे दे दें, इतना मजे का नेकलेस था, है ना, ये अच्छी लग रही थी मेरी लुक के साथ। तो ये नेकलेस जो है वो बहुत ज्यादा मैच कर रहा था। तो अभी जो है मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, लेकिन हमने सुबह जाना है बाहर। मैंने आपको बताया था कि भैया आंटी अंकल का रेस्टोरेंट है तो हम वहां पे जाएंगे, और टोरंटो में बीच भी है वहां पे भी जाएंगे। तो जो भी होगा मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगी। और बाकी अब मैं थोड़ा रेस्ट करूंगी, वीडियो को एडिट करूंगी, मुंह हाथ धोऊंगी, मेकअप उतारूंगी, लेंस उतारूंगी, क्योंकि मैं थक गई हूँ अब इन चीजों में। तो फिर फ्राइडे था, अच्छा गुजर गया। वैसे तो हम ज्यादातर टाइम शॉपिंग मॉल में ही गुजारती है, मजा आया मुझे। वो मैंने फर्स्ट टाइम ना ड्रिंक पी थी, वो बोबा बॉल्स शायद बोलते हैं उनको, बबल बॉल्स पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मैंने पी थी। तो इतना मुझे अच्छा था, मजे का था, लेकिन भारी हो गया था पता नहीं क्यों, मुझे मेरा ना यहाँ तक आ गया था। खैर, लेकिन मिंट मार्गरीटा था तो वो बहुत मजे का था। आपको पता है मिंट मार्गरीटा मुझे वैसे ही बहुत पसंद है। तो आप लोगों ने मुझे बताना कि आज मैं कैसी लग रही थी, और फिर मिलूंगी मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। तो चलें, वो भी बात है कि मैं नहीं लाई इतने, तो मैंने यहाँ से ले लिया, लेकिन अगर मैंने यही हाथ रखा ना, मेरी मम्मी जान ने ना पैदल चल पड़ना पाकिस्तान से यहाँ पे आके मुझे जूते मारने,